ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। जय माता दी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत से आपके ईमेल्स आए, मैसेज आए, जिनसे मेरा हौसला बढ़ा। आपके मैसेज, आपकी ईमेल मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। आपके प्रश्न हैं कि मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, काफी लोगों का है। मंत्र जाप मन का त्राण करना, मन की शक्तियों का विकास करना, मन की शक्तियों का विकास करते करते ऊपर वाली रूहानियत की शक्तियों के साथ जुड़ जाना। और दोस्तों ये सारा काम सूक्ष्म का है, इसमें स्थूल कुछ भी नहीं है जिसको आप टच कर सकें, स्पर्श कर सकें, महसूस करने की बात है। जितना मंत्र जाप आप प्यार से, श्रद्धा से, आनंद से करेंगे, उतना ही जल्दी और अच्छा फल आपको मिलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आपने 11 माला जाप करना है, तो 11 माला ऐसी स्पीड से करते हैं, ऐसी स्पीड से करते हैं कि दूसरे दिन कहते हैं तुम्हें कितने मिनट लगे मंत्र एक माला में। वो कहता मुझे 5 मिनट। कहता मैंने तो 2 मिनट में कर लिया। दोस्तों इस स्थिति में आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आप माला की गिनती ना करके आप समय की पाबंदी रख लें कि मुझे आधे घंटे के लिए जाप करना है, मुझे 1 घंटे के लिए जाप करना है, और मिनिमम 24 मिनट तो करना चाहिए। 8-10 मिनट तक तो हम बॉडी से अलग ही नहीं होते, उसके पश्चात जाके हम अलग होने लगते हैं, और थोड़े से वक्त के लिए जाप को ऊंचे स्वर में करना चाहिए। ऐसे कहूं कि मंत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ सरल दोस्तों ऊंचे स्वर में होता है। मान लीजिए आप ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाय विचे बोलते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। इस ध्वनि से बोलें। इस ध्वनि से जब बोलेंगे आपका बाहरी वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ओम उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ आपको जोड़ देगा, और दूसरे जो बीज मंत्र हैं जिस जिस शक्ति के हैं उन शक्तियों के साथ में जोड़ देगा। और जैसे फिर आप लिप्स भी ना हिलें मन का जाप करते हो, उससे इन दोनों से पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, ईड़ा पिंगला दोनों का जब श्वास का घर्षण होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक शक्ति पैदा होती है। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक शक्ति पैदा होती है उसकी ऊर्जा से और बहुत सी शक्तियां आपके अंतर में प्रकट होने लगती हैं। जैसे वैसे वो शक्तियां प्रकट होती हैं तैसे तैसे आपकी स्टेट स्पिरिचुअली बहुत अलग हो जाती है। जैसे आपकी स्टेट अलग हो जाती है दोस्तों आप एक दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। फिर जब आप कोई भी संकल्प करते हो, जब आप कोई भी प्रार्थना करते हो, तब आपकी वो प्रार्थना स्वीकार होती है। जैसे आप साधना में बैठे, मंत्र जाप में बैठे, ध्यान में बैठे, पूर्ण एकाग्र होकर के अपने गुरु का ध्यान करके पूर्ण एकाग्र होकर के बैठे, आप देखेंगे कि आपको ऊपर शक्तियों की कृपा होने लगी है, आप शक्तियों के साथ एकाकार करने लगे हैं। और जैसे आपका दोस्तों शक्तियों के साथ एकाकार होगा तब तो फिर बात ही क्या। तो माँ कृपा करें,
आप सबको इन शक्तियों का आनंद मिले, आपको उन शक्तियों का एहसास हो। माँ बहुत बहुत कृपा करें। जय माता दी।